नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव सिकंदरापुर में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते दो लोगों को मारी गई गोली। गंभीर हालत में फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। पूरा मामला है थाना नसीरपुर के गांव सिकंदरापुर का, जहां मंगलवार की दोपहर गांव में चुनावी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दो लोग गोली लगने से घायल हुए। बताया जाता है कि सिकंदरपुर में बंटू नामक व्यक्ति चुनाव हारने के बाद बौखला गया, जिसके चलते गांव में वोट न देने का गणित लगाकर शैलेंद्र के साथ मारपीट कर दी, जिसका विरोध करने पर बंटू ने साथियों के साथ मिलकर कुमारपाल और शैलेंद्र को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों युवक गंभीर घायल हुए। उपचार के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर उन्हें लाया गया है। कुमारपाल, क्या बात हो गई थी? क्या बात हुई थी? भाई भैया ने तो मारे आए हैं। मारे आए यार, ये कहाँ की बात है? सिकंदर बुरा ही बुरा था, प्रधानी आ रहे हैं, बड़ी चीज लगा रहे हैं। प्रधानी आ रहे हैं हल्ले के बाद? कौन, क्या नाम उनका? उन्होंने क्या 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 हुआ था? बोली रही है क्या? लोग गाय ना क्या? लोग गाय ना बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टुंडला के उसायानी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत युवक को पड़ी महंगी। टुंडला में दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक को मारपीट कर दिया घायल। मौके से फरार हुए दबंग कुछ दिनों पूर्व सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। युवक ने एसडीएम टुंडला ने रुकवाया था अवैध कब्जा। दबंगों ने आज मौका देख कर किया युवक को मारपीट कर किया घायल। थाना टुंडला पुलिस ने युवक माधव पचौरी का मेडिकल करा कर मुकदमा किया दर्ज। क्या नाम आपका? माधव पचौरी। कहाँ रहते हो आप? सुसानी रहता हूँ भाई साहब। यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग टुंडला पर मेडिकल कराने आया हूँ, क्या मामला हुआ पूछा, पूरी बात बताइए भाई साहब। दो तीन दिन पहले एसडीएम साहब ने अवैध निर्माण के संबंध में गांव में कार्रवाई की थी। उस संबंध में मैं और मेरा भाई वहाँ पर था। एसडीएम साहब ने पूछा कि फलाने आदमी घर कहाँ है, तो हम बताने के, तो वहाँ हमारे साथ गाली गलौज की। एसडीएम साहब ने उनको रोका और हमको नंबर दे के गए थे, गई मैडम कि कोई कुछ कुछ कहे, हमने बताया दबंगे, लेकिन उन्होंने मैडम ने कहा कोई कुछ कहे तो हमको बताना। फिर हम आज बैठे थे, आज हमारे साथ मारपीट कर दी गई है, मेरी आँखों में चोट है जी। जिन्होंने मारा उनका क्या नाम है? मोहित शर्मा, नरेंद्र शर्मा, उनकी धर्मपत्नी। और क्या नाम कहाँ रहते हैं? वो हसानी रहते हैं, और उसमें बीजेपी के एक नेता का हाथ है। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, स्वयं को द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठित हूँ और खंड में प्रचार प्रमुख हूँ, और बीजेपी के नेता ने पिटवाया हमको। बीजेपी नेता क्या नाम है? दीपक रारी, जिला उपाध्यक्ष, और वो रिपोर्ट करवाने भी आया उनकी। वो कौन रहते हैं? और धमकी दी है हमको जान से मारने की। तो आप ही की चोट आई है कि आपके अलावा किसी और की चोट आई है? मुझको ही मारा है उन्होंने सबसे ज़्यादा, नहीं था बस घर का कोई परिजन था नहीं वहाँ। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार नाम है, मैं उसाइनी रहता हूँ। मामला ये है कि कुछ दिन पहले अपने कुछ दबंग जो है सरकारी जमीन को घेर रहे थे, जिसका प्रार्थना पत्र एसडीएम टुंडला को दिया था। इस पर एसडीएम द्वारा कार्रवाई की गई, विधिवत कार्रवाई की गई, जमीन को रोका गया। तो उसमें हमारे जो नाम आए थे कुछ लोगों के, तो उन्हीं दबंग लोगों ने आज हमारे एक साथी हैं माधव पचौरी, वो अकेले जा रहे थे, तो नरेंद्र शर्मा और मोहित शर्मा उनके बच्चे हैं, उनने और उनकी पत्नी ने इनको अकेले देखकर मौका पाकर इनको मारपीट की इनके साथ में। तो इनके जो आँख पर चोट आई है, कोई धारदार वस्तु से प्रहार किया क्या? इनके जो है आँख में इनको पकड़ के जमीन पर डाल के पहले तो लाठी डंडों से इनके साथ मारपीट की गई, भयंकर मारपीट की गई। उसके बाद ईंट लेके इनकी आँख फोड़ने की चाहत से इनकी आँख में ईंट मारी गई। और बाद में जब हम लोग थाने पहुंच रहे थे, जो तो एक बाइक से हम थाने पहुंच रहे थे, तो एक गाड़ी द्वारा फोर व्हीलर जो कि जिला उपाध्यक्ष भाजपा जो है दीपक राजौरिया की गाड़ी थी, उसके द्वारा टक्कर मारने की भी कोशिश की गई। तो फिर गांव के कुछ और लोगों द्वारा हम जो है थाने जैसे तैसे पहुँचे, तहरीर दी। अब जो है हम यहाँ पर जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए भेजा गया थाने के द्वारा। तो हमारी जो है मीडिया से गुहार है और प्रशासन से हमारा जो है गुहार है कि ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिया जाए। इसमें जो है भाजपा के नेता भी इन्वॉल्व हो रहे हैं,
और उस पक्ष से जो है झूठी तहरीर लिखवा रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। और सरकारी ज़मीन, बाकी जो सरकारी होती है प्रशासनिक ज़मीन है, गरीबों को मिलनी चाहिए, उसके हक में हमने जो आवाज़ उठाई थी उस आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी प्रशासन से गुहार है कि हमें न्याय दिया जाए और ऐसे दबंग लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रख स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है, जिसमें अब घरों में किसी सहयोगी का न होने के चलते कोरोना संक्रमण महामारी से जूझते लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ती COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को सहायिकाओं के साथ जनपद के देहात क्षेत्र में घर घर जाकर ऐसे सभी कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच करने के लिए भेजने का निर्णय लिया है जो स्वास्थ्य विभाग में किसी कारण से अपनी जाँच कराने के लिए आने में असमर्थ है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि COVID-19 महामारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय घर घर देहात क्षेत्र में पहुंचकर COVID-19 मरीजों की जांच करना है। साथ ही ऐसे मरीज जो कि किसी ना किसी रूप में स्वास्थ्य विभाग तक आने में असहाय है, या फिर यह भी माना जा सकता है कि ऐसे मरीज जिनका कोई भी सहायक नहीं है उनके पास तक पहुंचकर उनकी COVID-19 जांच से लेकर उपचार तक उपलब्ध कराना है, क्योंकि इसी प्रकार से COVID-19 जड़ से खत्म किया जा सकता है और यह अभियान 5 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। आपका रविंद्र कुमार मारे जी, भी अभी ब्लॉक कम्युनिटी फोर्स मैनेजर CSC हापुड़ जी। अभी आपको इन्हें किट बैंक बांटी जा रही है, किस आधार पर, किस लिए बांटी? इनको जो है कल से हमारी गतिविधि चलेगी घर घर भ्रमण कार्यक्रम, उसमें आशा जाएंगी और प्रत्येक घर में जाएंगी, वहाँ पर कोरोना से संबंधित जानकारी देगी कैसे बचाव करना है, और यदि किसी में लक्षण पाए जाते हैं उनको जो है CSC पर भेजेगी, उनकी जाँच कराएगी, और जो निर्बल और ऐसा है जिनका कोई केयर टेकर नहीं होगा उनके लिए वहाँ पर मेडिसिन किट उपलब्ध कराएगी। कब तक ये आपका कार्य जारी रहेगा? 10 तारीख तक जारी रहेगा, 5 दिन की गतिविधि होगी। उसमें कितने घर तक, दिन भर में कितने घर? दिन में कम से कम 40 से 50 घर कवर करेंगे, पूरी आबादी उसको 5 दिन में कवर करनी है। एक आशा के पास 150 से 200 तक घर अनुमन होते हैं, तो अपना उसी में डिवाइड करके वो 5 दिन में उसको गतिविधि पूरी कर लेंगे। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव कोंथरा में विद्युत शॉर्ट सर्किट से बुर्जी बिटोरा में आग लगी। आग इतनी तेज थी कि कुछ समय के अंतराल में आसपास के घरों में फैल गई। आग के लपटों से घरों में रखा सामान आग में जलकर राख हो गया। 2 मकानों में दरारें आई है। एक प्लॉट में खड़े कृषि यंत्र, भूसा बनाने की मशीन, कल्टीवेटर आदि सामान जल गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मंगलवार को गांव कोंथरा में विद्युत शॉर्ट सर्किट से बुर्जी बिटोरा में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ देर बाद पास ही में बने फतेह सिंह भोला के मकान में आग की चपेट में आके घरेलू सामान आग में जलकर खाक हो गया। इनके मकानों की दीवारों में दरार पड़ गई। ब्रज किशोर के कृषि यंत्र, भूसा बनाने की मशीन, कल्टीवेटर, वही मुरारी व सतीश के बुर्जी बिटोरा आग में जल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। SDM राहुल यादव ने बताया कि आग से नुकसान हुआ है, जांच कराकर पीड़ितों की मदद कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? सूरज। क्या घटना हुई है अग्निकांड? घटना हुआ है साहब, आग लगी है लार से। अच्छा, आग कैसे लगी हुई, क्या कारण रहे? एक कारण की तो सर ये लाइट शॉर्ट हो गई थी यहाँ पर बिजली का, तो वहाँ समन में पहले यहाँ पड़ी है बुर्जी में, बुर्जी में तो सबरा लग गई है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया साहब कम से कम 4-5 घर का नुकसान हो गया। मतलब क्या क्या नुकसान हुआ, किस किस में आग लगी? गेहूं भी जल गए, सामान भी जल गए, लकड़ियां भी जली हैं, घाट पीढ़ी, बर्तन सब जल गए। 3 बुर्जी जली हैं। आपने इसकी सूचना दी? पूरी राशन जल गए। पुलिस को, फायर ब्रिगेड को सूचना दी आपने? जी हम जी हमने दी है, खूब दी है जी। तो वो मौके पर आए? नहीं आए, 1.5 घंटे बाद आए यार हम। 1.5 घंटा बाद आए। अच्छा, जब तक आग बुझ चुकी थी? आग बुझ चुकी जी। सूचना दे दी है ना, अभी ना SDM पहुंचा है, ना तहसीलदार पहुंचा है, ठीक है ना। तो अभी SDM को मैंने सूचना दी है, DM को सूचना दे दी है, SDM SDO
ऐसी सबको सूचना दी है, ना तहसीलदार पहुंचा ना पटवारी पहुंचा है, अभी मौके पे अभी कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। फायर ब्रिगेड भी एक डेढ़ घंटे पहले, एक घंटे बाद आई है यहाँ पे, मैंने डीएम को सूचना दी उसके एक घंटे बाद आई थी थाने पर सूचना दी, थाने यहाँ से आदमी गया लेने, जब जाके गाड़ी आई है, कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा अधिकारी, अभी तो कोई आया ही नहीं है पुलिस के और फायर ब्रिगेड के सिवा। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, इनके जितने नुकसान हुए उसकी भरपाई हो, और क्या भरपाई ये बहुत गरीब आदमी है, वाल्मीकि है, गरीब आदमी है, इनको सहायता मिलनी चाहिए, इनका शोषण नहीं होना चाहिए, प्रशासन इनका देखे, हाथ भी जल चुके हैं लोगों के बहुत ज्यादा, कुछ नहीं पता गए कपड़ा है सब्जी है कुछ नहीं रही है पैसा देला सब चाली। कैसे लगी है आग? लाइट से लगी है। लाइट से लगी है, अच्छा तो कितना नुकसान हुआ है? पूरा नुकसान है, और आने पाकिस्तान जो रही है जो तो आपने आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी? आग लगने की सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी? तो मौके पर पहुंचे वो लोग? नहीं पहुंचे। तो आग किस लिए बुझाई है? एक घंटे बाद गाड़ी आई है, मतलब जब तक पुलिस मौके पर फायर ब्रिगेड आई है तब तक आप लोग BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। दतिया जिला प्रशासन द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए लोग जैसे समझ रहे हैं सभी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके चलते दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा घर से बेवजह निकल रहे लोगों के उन रास्तों पर JCB के खड्डे करवा दिए गए जहाँ पुलिस विभाग के नाके नहीं बनाए जा सकते, जिसको लेकर दतिया कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। इस नहीं मान रहे लोगों के बेवजह रास्तों को JCB से खड्डे कराने की बात दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने कही। आखिर क्या कुछ कहा दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने, आइए देखिए। कुछ नाके हैं, शहर के लोग गैर जरूरी कामों से न निकले, इसके लिए जब नाकों पे रोका, जैसे आप नाका देखते हैं रोका जाता था, तो फिर लोग दूसरे जो रास्ते हैं, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे तकरीबन 20-35 ओपनिंग है, सब जगह तो नाका लगाना और पुलिस की व्यवस्था करना संभव नहीं था, तो जितने भी छोटे छोटे ओपनिंग्स थे उससे लोग निकल जाते थे, जो इधर से नहीं जाने दिया जाता था उधर से निकल जाते थे, नाका लगाने का उद्देश्य विफल हो रहा है, इसलिए जो ऐसे प्रमुख रोड है उस पर नाका है, जहाँ से आप जाएंगे तो आपको पूछताछ करना पड़ेगा, वाजिब कारण होगा तो कर दिया जाएगा। जो छोटे छोटे दूसरे रास्ते थे जिससे लोग चोरी छुपे निकलते थे उसको काट दिया, अवरुद्ध कर दिया, कि जिससे लोग बाध्य हों इन्हीं नाकों से गुजर रहे हैं, और यहाँ उनको बताना पड़ेगा जब कारण जाए जाए तो जाइए, शहर का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से निकलने की कोई दिक्कत है, निकल सकता है बट एक सीमित संख्या में, हर आदमी को उन नाकों से चाहे तो हॉस्पिटल रोड का जो नाका है वहाँ से गुजरना पड़ेगा, यासी चुंबी से निकलना पड़ेगा, गाँव रोड चुंबी से निकलना पड़ेगा, या सेवा चुंबी से निकलना पड़ेगा, और शेष जो छोटे छोटे पे कोशिश की गई है उसको अवरुद्ध कर दिया जाए, जिससे कि गलत लोगों का, क्योंकि मूवमेंट से कॉन्टैक्ट चेन बनता है और चेन से बीमारी होती है, तो चेन को ब्रेक करने के लिए आदमी का मूवमेंट को ब्रेक करने की कोशिश की। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों के इलाज एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में निरंतर सजग रहने की कड़ी में खुजराहो से सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने 4 मई को 25 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर उपलब्ध कराए। सांसद द्वारा प्रदत्त किए गए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर कलेक्टर जिला पन्ना को जिले के समाज सेवी राम अवतार पाठक, भारतीय जनता जिला उपाध्यक्ष तरुण पाठक एवं ब्रजेंद्र मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय पन्ना को प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना डॉक्टर RS पांडे एवं सिविल सर्जन डॉक्टर उपाध्याय तथा अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासन के लोग उपस्थित रहे। प्रयास से CT स्कैन मशीन जो पन्ना जिला चिकित्सालय में लगनी थी RKDF मेडिकल कॉलेज के से हम लोगों ने MOU कर लिया है। RKDF मेडिकल कॉलेज ने कल हमको ऑर्डर की कॉपी भेजी है, उन्होंने CT स्कैन मशीन का ऑर्डर कर दिया है और अगले 2 हफ्ते में वो मशीन पन्ना जिले में आ जाएगी और हम लोग उसका इस्तेमाल चालू करेंगे
और ये RKDF के लोग ही उस मशीन को लगाएंगे, चलाएंगे, उसको मेंटेन भी करेंगे। तो ये भी माननीय सांसद जी की लीडरशिप में ये मशीन भी बहुत जल्दी लग रही है। मैं माननीय सांसद जी का और पन्ना जिला प्रशासन की ओर से, जहाँ की जनता की ओर से, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो इस कठिन घड़ी में जिला प्रशासन को जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ हैं, जो बेहतर सुविधाएँ वो हमको प्रदान करने में उनका नेतृत्व, उनका सहयोग हमको मिल रहा है। BCN न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। नगर भ्रमण दौरान नगर पालिका परिषद देवेंद्र नगर, पुलिस थाना देवेंद्र नगर एवं राजस्व स्टाफ द्वारा नगर भ्रमण किया गया, जिस दौरान दुकानें खुली पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया गया। उप कार्रवाई में देवेंद्र नगर थाना से उप निरीक्षक शक्ति सिंह, उप निरीक्षक जया सोनी, सहायक उप निरीक्षक मान सिंह, आरक्षक दीपक सोनी, प्रधान आरक्षक मुकेश शर्मा, संदीप तिवारी, आरक्षक दिलीप नगर परिषद देवेंद्र नगर से प्रभाष शंकर उपाध्याय, अर्जुन एवं नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति उपस्थित रहे। BCN न्यूज के लिए देवेंद्र नगर से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।